अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। टेरर फंडिंग में 5 राज्यों में 10 लोगों की गिरफ्तारी के बाद से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। इतने बड़े पैमाने पर टेरर फंडिंग और स्लीपर सेल को रुपए पहुंचाने के साथ UPATS की गिरफ्तारी ने ये साबित कर दिया है कि देश के अंदर आतंक की जड़ें कितनी गहरी हैं। ये भाई नईम का है। नईम का है, तो कब से आप यहाँ हैं? अरे हमें हो गया 2 साल करीब। अच्छा, ये मकान जब से बना तब से आप यहाँ पे हैं? हाँ, जब से ही। क्या काम करते हैं आपको मालूम है? हम चौकीदारी करते हैं। वो लोग क्या काम? वो लोग मोबाइल का काम करते हैं। और जो ये आरोप लगा है कि पाकिस्तानी, इस खबर हमें नहीं। ये ईश्वर चंद है, इसी मार्केट में उनकी छोटी सी दुकान थी। पहले ये पंचर जोड़ते थे, फिर पंचर जोड़ने के बाद ये धीरे धीरे दिल्ली से थोड़ा स्पेयर लाना शुरू किए और उस समय डेग उगाता था, डेग बेचना शुरू किए। फिर उसके बाद से वहाँ जब दुकान छोड़े तो कुछ पैसा मिला इनको, ये फिर यहाँ पे दुकान लिए आनंद कॉम्प्लेक्स में, नई मैंसन जी, 2 दुकान लिए। फिर इनका धीरे धीरे सीडी लाना शुरू किए, सीडी से फिर ये कन्वर्ट हुए मोबाइल में, मोबाइल के बाद से पिछले जो है 4-5 सालों में बहुत तेज़ी से हुए। फिर ये अब कैसे इनकी हमें नहीं पता। इसमें सर ये सब गलत है, जो भी पेपर में छपा है सब गलत है। और ये तो अब वो लोग बाहर आएंगे तो प्रूफ तो ये हस्बैंड लोग ही दे सकते हैं। आप जो कारोबार, क्या कारोबार करते थे और पता चला कि पहले रेडियो का काम था जी, कैसे ये इतने आगे मतलब बढ़े, किस तरह से इन लोगों ने मेहनत की, क्या किया? अब इस बार में क्या मेहनत इंसान करता है वो आगे बढ़ता रहता है, उसको उसमें नहीं समझ में आ रहा था बिजनेस, तो उसको चेंज कर दिया मोबाइल में आ गए। जब पुलिस ने कहा कि 2005 में किराए की दुकान पे लेके करते थे, उसके बाद अचानक 200 करोड़ किराए की दुकान पे, किराए की दुकान, ये गलत है। किराए की दुकान कोई थी नहीं, अपनी दुकानें सारी नहीं, बल्कि प्लाजा पे इनकी दुकान है, 2 करोड़ के भी ली है, तो इतनी संपत्ति कैसे अचानक होगी, ये जांच का विषय है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? हम नहीं जानते। आपको बता दें कि पंचर की दुकान से अकूत संपत्ति के मालिक बने टेरर फंडिंग करने वाले नईम एंड सन्स इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक नसीम और अरशद भी फर्श से अर्श पर कैसे पहुंच गए, ये जानकर उनके पड़ोसी दुकानदार भी हैरत में हैं। हालांकि नाजीन पति नसीम और देवर अरशद को निर्दोष मान रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि दोनों आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। न्यूज़ के लिए गोरखपुर से मनोज कुमार की रिपोर्ट।